हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे ओप्पो रेनो 6 5G में और एमआर रेडमी नोट 10 प्रो में और देखते हैं कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो बात की जाए डिस्प्ले से तो ओप्पो की है डिस्प्ले 55 इंच की, एमआई की डिस्प्ले 67 इंच की। दोनों फ़ोन का रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल और दोनों फ़ोन की स्क्रीन सुपर एमोलेड डिस्प्ले और ओप्पो में आपको 19 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, एमआई में है 120 हर्ट्ज़ का। बात की जाए प्रोसेसर की तो ओप्पो का है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 900 का, सीपीयू 2.4 GHz ऑक्टेकोर का और 6 नैनोमीटर्स का फिनफेट और एमआई का जो प्रोसेसर है और स्नैपड्रैगन का है 732G का, सीपीयू 2.2 GHz ऑक्टेकोर का और 8 नैनोमीटर्स का फिनफेट। और बात करते हैं बैक कैमरे की तो ओप्पो का है ट्रिपल जो मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, फिर 8 का फिर 2 का, एमआई का है क्वाड में मेन जो कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, फिर 8 का फिर 5 का फिर 2 का। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, ओप्पो का है 32 का, एमआई का है 16 का और कैमरा की क्वालिटी में ओप्पो बेस्ट है। बात की जाए बैटरी की तो ओप्पो में है 4300 mAh की, एमआई में है 5020 mAh की और दोनों फ़ोन की बैटरी एप्स नॉनेबल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात करते हैं चार्जर की, ओप्पो में है 65 वाट का, एमआई में है 33 वाट का, दोनों में टैप्स का सपोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी मिल जाता है। और बात करते हैं सिम की तो आपको ओप्पो में 2 सिम मिलती हैं, एमआई में आपको 2 सिम और 7 मेगापिक्सल का भी ऑप्शन मिल जाता है। बात की जाए रैम की, ओप्पो में है 8 GB की, एमआई में है 6 GB और 8 GB की। बात की जाए मेमोरी की, ओप्पो में 128 GB की, एमआई में है 64 GB 128 GB की, दोनों में आपको नोट 11 मिलता है। बात करते हैं फिर प्राइस की तो ओप्पो का है स्टार्टिंग 29,999 रुपये, एम आई का है स्टार्टिंग 15,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।